नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम नॉलेज में। और ये 1 अप्रैल का करंट अफेयर है दोस्तों। 31 का नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, डेली करंट अफेयर चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी करवा देता है। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेथ ऑफ जीजस, ये आपका जॉन मैक्सवेल कर्ज़ ने ऑथर बुक लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, नीचे डिटेल दिया हुआ है। 20 क्वेश्चन करवाना है, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, जितना हो सके मैं एनालिसिस करवा दूंगा आपके लिए। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और एक्शन इस प्लान साइन बिटवीन व्हिच टू कंट्री, जो कि होगा USA एंड ईरान, ऑप्शन सी, और नीचे दिया गया, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस मेजर्स आर रिकॉर्ड ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो कि होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दोनों ही हुआ है दोस्तों। COVID-19 के रिगार्डिंग 60% पैसा मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोगों को। उसके बाद द रेलवे हैज़ मॉडिफाइड हैज़ मेनी कोचेस टू एकोमोडेट 3.2 लाख पीपल दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, 20,000 बोला गया है कोचेस रेडी करने के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दोस्तों 31 के द्वारा। उसके बाद कॉमेडियन केन सिमरू हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू हिस कंट्री दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। और उसके बाद नीचे पढ़ लीजिएगा डिटेल दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। IIT अप्रूव पोर्टेबिलिटी वेंटिलेटर सपोर्ट टू मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एम टू COVID-19 आउटब्रेक, कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT कानपुर, इनके द्वारा बनाया गया है वेंटिलेटर, पोर्टेबिलिटी वेंटिलेटर कम समय में बनाया गया है। व्हाट इज़ द न्यू इंटरेस्ट रेट सेट फॉर PPF, जो कि होगा ऑप्शन डी 6.8% दोस्तों, और ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के तहत किया गया है रिड्यूस। और डिटेल पढ़ लीजिएगा नीचे वीडियो पॉज करके। पापेडियो इज अ पास आउट रिसेंटली व्हिच ऑफ द गेम, तो ये गेम से पूछा हुआ है, फुटबॉलर थे ये पापेडियो रिसेंटली, और नीचे डिटेल दिया गया, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। व्हिच स्टेट हैज़ बिकम 12th स्टेट ऑफ द प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRU, जो कि होगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी। उसके बाद 10 नंबर देख लेते हैं, सन रेडियो इंफ्रामीटरो स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज, जो कि बोला गया है मिशन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय व्हिच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, नासा के द्वारा किया गया है इसको, रेडियो सन रेडियो इंफॉर्मेट मीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों। RBI हैज़ रिसेंटली इंक्रीज द लिमिट फॉर FPI इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड टू व्हाट अमाउंट दोस्तों, ऑप्शन ए 15% हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण यादव हु रिजाइन रिसेंटली वाज द CEO ऑफ व्हिच कंपनी, ऑप्शन बी Paytm हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटेक एरोन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एडोप्टेड बाई व्हिच स्टेट, ये हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2021 वर्ल्ड एथलेट चैम्पियनशिप हैज़ बीन शिफ्टेड टू 2022 विल टेक प्लेस इन व्हिच सिटी दोस्तों, जो कि होगा यूजेनिया उरिजन, ऑप्शन बी। और पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स का रिलेटेड गेम से आया हुआ है क्वेश्चन, करंट अफेयर रिलेटेड आता है दोस्तों क्वेश्चन। प्रज्ञान ऐप इश्यू ई पास टू हैज़ लॉन्च बाय व्हिच स्टेट, प्रज्ञान किसमें द्वारा किया गया है, प्रज्ञाम जो कि झारखंड के द्वारा किया गया है दोस्तों, झारखंड के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है मेरे को बताइए। प्रवासी मुनियाम्मा हु रिसेंटली डाइड इज अ सिंगर एंड एक्ट्रेस ऑफ विच लैंग्वेज दोस्तों, ऑप्शन डी तमिल हो जाएगा, प्रभाई मुनियाम्मा ऑप्शन डी तमिल फोक सिंगर थे दोस्तों। और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA हैज़ रिवाइज द सेलिंग प्राइस हाउ मनी शेड्यूल्ड फार्मुलेशन दोस्तों, ऑप्शन बी 883। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच सेक्शन IPC हैज़ इन्वॉल्व अगेंस्ट पर्सन टू मेलिगेंटली टू एक्ट व्हिच लाइकली टू स्प्रेड एनी डिजीज एंड डेंजर टू लाइफ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेक्शन 269 एंड सेक्शन 270, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 19 देख लेते हैं, व्हिच वन पोर्टल हैज़ बीन स्टार्टेड टू सपोर्ट फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैंडर्ड इन इंडिया, और नीचे दिया गया पढ़ लीजिए। आज का आखिरी क्वेश्चन, हुई स्टेट हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी एज द एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, तो कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश के नए एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के श्रीनाथ रेड्डी, तो देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये 1 अप्रैल का था, 2 अप्रैल में मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।